दिल्ली और देश को सुरक्षित करने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। ये भाव मन में लाने के बाद कमल के निशान पर बटन दबाना, क्योंकि ये चुनाव अब दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं रहेगा, ये चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच का चुनाव नहीं रहेगा, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव बनकर रहेगा। मित्रों, एक और ये राहुल बाबा और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी है, ये दोनों एक ही है मानकर चलना है। ये दोनों की जोड़ी है जो कहती है कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। वो कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। मैं आज कैंट वालों को पूछने आया हूं, आर यू विद शाहीन बाग? जोर से बोलो, आर यू विद शाहीन बाग? पीछे माताएं बहने खड़ी है, बोले आर यू विद शाहीन बाग? मित्रों, ये निर्लज होकर कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ है। जिस शाहीन बाग से नारे लगते हैं हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी, किसी से आजादी चाहिए। ये मुल्क तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, मगर ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले केजरीवाल और राहुल बाबा एंड कंपनी शाहीन बाग का निर्लज होकर समर्थन कर रहे हैं। और मित्रों, एक और है शाहीन बाग का समर्थन करने वाली टोली है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली देशभक्तों की टोली है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी मानती है, मित्रों हमने सरकार चलाई है, हमारे लिए देश की सुरक्षा से लेकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।